आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट पर्सन 1 से 54 तक थे, कल वाले वीडियो में करा दिए। जो बचे क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कराएंगे, देखते हैं। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, जो अंत तक जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए रिलेट है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन एयर हेड मिट्स है? तो कौन है? कोंटेरिनिया सोर्गी कोरा। कोंटेरिनिया सोर्गी कोरा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे पेपर में चलेगा। देखते हैं, निम्न में स्पॉटेड बाल बार्म है? निम्न में स्पॉटेड बाल बार्म है तो क्या है? एरियास विटेला। एरिया विटेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 57 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 है, धान की टुंगरो बीमारी का वाहक कौन है? धान की जो टुंगरो बीमारी है उसका वाहक कौन है? तो उसका वाहक कौन है? निफोटेटिक्स वायरेसेंस। निफोटेटिक्स वायरेसेंस है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं तो धान में जो धान के खेत में बुलबुले ऐसे निकलते हैं, इसमें कौन सी गैस रिसाव होती? तो मीथेन गैस जो है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। अगर देखा जाए धान की पत्ती किसके कारण पीली पड़ जाती है, धान की पत्ती किसके कारण पीली पड़ जाती है? जड़ एन यानी जिंक के कारण जो है धान की पत्ती पीली पड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में बुली एफिड का प्रादुर्भाव किस फसल में देखा गया? हाल ही के दिनों में बुली एफिड का प्रादुर्भाव किस फसल में देखा गया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना में। किस में? गन्ना में देखा गया। गन्ने की एक जो बीमारी होती है कौन सी है? सबसे मुख्य रेड रॉट रोग। रेड रॉट जो बीमारी है वो होती है, जिससे देखा होगा कभी गन्ने में जो लाल, मतलब गन्ने में देखा होगा लाल, कहीं से अगर काटो तो उसे लाल जैसा दिखाई देता है, उसमें एल्को हाल जैसी गंध आती है, तो उसमें कौन सा वो रोग होता है? रेड रॉट रोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गन्ना किस बुली एपिड से प्रभावित हुआ? हाल ही में गन्ना जो है किस बुली एपिड से प्रभावित हुआ? सीरे टोबेक्यूनो लेनिजेरा, ये आपका राइट आंसर। अगर देखा जाए गन्ना किस कुल से है, गन्ना जो है ग्रेमिनी कुल से है। किस कुल से है? ग्रेमिनी कुल से है। गन्ना हुआ, बांस हुआ, और बाकी जो गेहूँ हैं, धान है, ये सब ग्रेमिनी कुल में आते हैं। दाल वाली फसलें हैं सभी लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केले का राइजोम बीबल कोष पोलो लिटेस सोर्डिस किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुकुरली ओनिडी से संबंधित है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ज्वार एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिलेनेफिस सेकेराई, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे नोटोरियस सर्वहारी नाशी कीट है? तो चिलो इंसर्टुलस आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार पेंडकल के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है? छिद्र जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोंटेरिनिया सोर्गी कोरा से। अगला क्वेश्चन है, धान की पत्तियों पर सीढ़ी नुमा झुर्रियाँ किसके कारण होती हैं? धान की जो पत्तियाँ उसमें सीढ़ी नुमा
झुर्रियाँ किसके कारण होती हैं? डिक्लेडिस्पा आर्मीजेरा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्टी ग्यूमेट बनी है तो किससे बनी है? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्यूटिकल एपिडर्मिस एवं बेसमेंट से। क्यूटिकल एपिडर्मिस एवं बेसमेंट से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलीपेडेस आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग से आता है? तो माइरियापोडा से। किससे? माइरियापोडा से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 67। एनेमोफोसिस कीट किसके गढ़ से होता है? तो पोटिउरा से होता है। किससे होता है? पोटिउरा। आपका ये राइट आंसर है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कीट वर्ग का उदाहरण जिसमें निम्न को नाइट्स कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओडोनेटा। पहली लंबवत पंख सिरा है, कोस्टल वेन। कौन है? कोस्टल वेन। ए राइट आंसर, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ संख्या अगला देखें। प्रोनोटम सामान्यता किस प्रकार के कीट में दिखता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है, सूखिका किस कीट के मुखांग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी में डंक किसका रूपांतरण है? ओबी पोजिटर का। अगला क्वेश्चन है, सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन का दूसरा नाम है, तो क्या है? ब्रेन। आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कीटों में कोर्पोरा कोडिएका से स्रवित होता है, तो क्या स्रवित होता है? हार्मोन्स। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 75 है, निम्न में से द्वितीयक पंख रहित का उदाहरण है हेड हालाउस। क्या है? हेड लाउस। अगला क्वेश्चन है, कीट के हिडगट को क्या कहा जाता है? प्रोक्टोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोक्टोडियम। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 77, किस एक जोर टेरिगोट कीट वर्ग के जीवन चक्र में प्यूपिल इंस्टार पाया जाता है? थाइसेनोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडर टिक्स और माइट्स आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो रेनिकडा के से संबंधित हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 79, प्राथमिक पंख रहित कीट का उदाहरण हरण जिसमें पंख लोभ कभी नहीं होता है, तो क्या है? प्रोटीउरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कॉकरोच डिक्टियोप्टेरा गढ़ का कीट है जिसमें आर्थ्रोपोडा कीट का निम्न कार पाया जाता है, निम्न जो प्रारूप है पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? पिछले पंख में लंबे एनल लोब में, पिछले जो पंख होते हैं उसमें लंबे एनल के लोब में पाए जाते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आज की जो आप क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन अगला है, तितली के मुखांग में प्रोबोसिस किससे बनता है, प्रोबोसिस है वो किससे बनता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलिया मगजली में। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे की एब्डोमन की आखिरी भाग में सरसाई के रूप साथ एक जोड़ा का होता है, एनल स्टाइली का, किसका होता है, एनल स्टाइली का, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे के नर जनन तंत्र में एक सेसरी ग्रंथ जो कि मिजोडर्मल उत्पत्ति की है वह है, तो मिसाडेनिया की, किसकी है, मिसाडेनिया की। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में रुधिर तंत्र जटिल और होता है, केंचुए में जो रुधिर तंत्र जटिल और होता है तो और कैसा होता है, इसका राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बंद, क्या हो जाएगा, बंद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 85, जानवरों में कीट बहुतायत और विविध रूप से उसकी एक विशेषता के कारण पाया जाता है, उसकी एक विशेषता के कारण पाया जाता है, किस विशेषता के कारण, की क्षमता के कारण, उड़ने की क्षमता के कारण, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोक्टुइड कुल का वह सामान्यता नाश कीट जो अरहर और चना दोनों पर लगता है, हेलिकोबरपा आर्मीजेरा। अगला क्वेश्चन है, बैंगन की पत्ती पर अर्धचंद्रमा के आकार का की झुर्रियाँ किसके कारण होती हैं, बैंगन की पत्ती पर अर्धचंद्रमा के आकार की जो झुर्रियाँ होती हैं वो किसके कारण होती हैं, तो वह होती हैं माइलोसिरस सब फेसी एंटस से, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या, स्पाइरेलिंग सफेद मक्खी कई फसलों की पत्तियों को ग्रस्त करती है, वह है इल्यूरोडिकस डिस्परसस। अगला क्वेश्चन है, रागी का नोक्टुड छेदक है, तो किससे, सिसेमिया इन्फ्रेंस से। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में छठी प्रभसंधि पर डेड हार्ट के साथ बुशी ग्रोथ का कारण क्या है, शीर्ष छेदक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, शीर्ष छेदक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 91 है, केले के एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धान की पत्ती में समांतर सफेद धारियां किसके लक्षण से बनती हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाइक्ले डिस्पा आर्मीजेरा से। अगला क्वेश्चन है, होपर वर्न जिससे धान का पौधा सूखता है और पीला हो जाता है किस कीट के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्राउन प्लांट होपर नीला पारवाटा ल्यूजेंस, बी है वाइट बेक्ट प्लांट होपर्स सोगेटेला फुर्सी फेरा, तो आपके ये दोनों मिला के आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन देखते हैं, धान में निबलिंग ऑफ ईयर हेड और डिप्लोलियस किससे होता है,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरोग्लाइफस बेनियन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इजिप्ट जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब गाल मक्खी धान ग्रसन करती है तो धान की पत्ती बढ़ जाती है, या किस रसायन के कारण होता है? तो यह सीसीडोजेन के कारण आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार तना छेदक द्वारा ज्वार में छोटी अवस्था में डेड हार्ट बनना, ज्वार की मिडरी का लाल होना तथा छेद होना किस कुल के कीट के कारण होता है? क्रैमबेडी कीट के कारण होता है। किस कीट के कारण? क्रैमबेडी कीट के कारण। अगला क्वेश्चन है धान में रोपाई से पहले पौध के ऊपरी भाग की क्लिपिंग करके किसके अंडों के गुच्छों को हटाते हैं? किसके अंडों के गुच्छों को हटाते हैं? पीला तना छेदक बाई एस बी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के तने के मध्य डेड हार्ट किसके लक्षण है? तो डेड हार्ट किसके लक्षण है? तना छेदक के। गेहूं के तने के मध्य डेड हार्ट किसके लक्षण है? तना छेदक के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट बढ़ते भुट्टो और सिल्क खाता है? कौन सा कीट है जो बढ़ते भुट्टो और सिल्क को खाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापना है। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेली कोबरपा आर्मी जेरा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।